रात्र में गई हूँ मैं बाबा दहीहांडी में, पहली बार आई हूँ और यहाँ जो गोविंदाओं का जो उत्साह है वो देख के बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनको ये कहा कि इसी तरह से जिस तरह से आप दहीहांडी में उत्साह दिखाते हैं उसी तरह से आप अपनी लाइफ में भी उत्साह दिखाइए और इसी तरह से आप चीज़ों को आसानी से हासिल कर सकते हैं और इनकी जो यूनिटी होती है वो देखने लायक होती है। इससे हम लोगों को एक लेसन लेना चाहिए कि लाइफ में हमें हमेशा फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, जो काम यूनाइटेड होके कर सकते हैं वो डिवाइडेड करके नहीं हो सकते। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, दैट इज़ हाउ इट इज। तो कृष्ण गोपाल का हांडी का बहुत सारे गाने हैं, कोई ऐसा गाना जो आपको बुलाना चाहे आज के मौके पर? पुरस्कार भी रखा गया है दही हांडी को उपलक्ष्य में और मीरा रोड में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी आपको आयोजन किया है, एक्चुअली मेरा शो गाने का कहीं और था बट यहाँ पर इतना प्यार मुझे मिला है विक्रम जी के यहाँ कि मुझे आना ही पड़ा। यहाँ पे सबसे पहले बात है कि जो बच्चों के लिए एप्रिसिएशन है, जो अलग अलग फील्ड में जो बच्चे अचीव कर रहे हैं उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके उनको इनकरेज करने के लिए यहाँ पे जो जा रहे हैं, सब बच्चों से आ रहे हैं, उनके पास ध्यान रखते हैं।
का ध्यान रख रहे हैं काफ़ी, मतलब उन्हें इतने अच्छे अच्छे से करके इतनी सिक्योरिटी बुला के जो प्रोग्राम का आयोजन किया। फाउंडेशन की तरफ से जो हर साल की तरह इस साल भी आयोजन हो रहा है और मैं हर साल की तरह इस साल भी इस मंच में उपस्थित हूँ सारे कलाकारों के बीच में। तो मैं विक्रम सिंह और सायावी पिंटू भैया और हमारे भूपेंद्र भैया इत्यादि सभी जो इस मंच के कर्णधार हैं मैं उनको लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे ही हर साल
दही का हंडी और हंडी को तोड़ा जाए और यहाँ के लोग खुशहाली से तोड़ के अपना पुरस्कार लेके जाए और सालों साल याद करते जाए। और कोई गाना जा रहा है और यहाँ के परिसर के मीरा भाईंदर के रहीवासी उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि बॉम्बे से बॉम्बे के अलग अलग क्षेत्रों से गोविंदा इटोली परे भोजपुरी मलाड़ कानवली थाने वसई बिहार से गोविंदाओं की टोली आ रही है तथा हमारे आसानी मीरा भाईंदर के गोविंदाओं की टोली आते जा रही है। आपका इस परिसर में पिता फाउंडेशन फटे स्वागत करता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष छत्रीवास हमारे देवी और मेरे बड़े भाई स्वरूप, मैं इतना भी तहे दिल से पहली बार मुंबई में आए ओम प्रकाश चौबे जी, जयप्रकाश शुक्ला जी तथा हमारे मंच पे की तरफ हमारे जिले के मैं इस परिवार का एक मेंबर हूँ। उसी तरह हमारे बड़े भाई दोस्त जिले के ओम जिला प्रमुख शंकर बिरकर भाई यहाँ पर पधारे हुए, उनका प्रताप फाउंडेशन हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। साथ में हमारे धनेश पाटिल सर यहाँ पर आए हैं, उनका अभिनंदन स्वागत में आया हूँ। और विशाल मोरे जी आए हैं, उनका भी अभिनंदन स्वागत। और न्यूज में दिखाता था लेकिन सामने नहीं देखा, बहुत अच्छा लगा। जय महाराज कविता पंडित सभी देशवासियों जिसको जन्माष्टमी की बहुत बिल्कुल साहब ही सपोर्ट करते हैं तो बहुत बधाई की बात है। और साथ में
मैंने सावधान इंडिया किया और मेरी एक नई सीरियल आ रही है रिटर्न ऑफ कूल डेज, जिसमें प्रोफेसर का रोल कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरी फिल्में आ चुकी हैं रिटर्न ऑफ कूल डेज के अलावा, जैसे कि रीना आ चुकी है, पॉइंट ऑफ व्यू आ चुकी है। इसके अलावा और एक फिल्म आ रही है मेरी मां जो रिलीज होने वाली है, जिसका मैं अभी नाम नहीं बता सकता। सच बताऊँ तो मैं यहाँ से आ रहा था तो मुझे पूरे अपने कॉलेज की याद आती है। हमारा वो मस्ती, वो खेलना कूदना, किसी की बात नहीं सुनना, बात करके घर में गालियाँ खाना, अपने पैर में हाथ में पूरे मार लगा के जाना, वो सब कुछ याद आता है। सीरियसली, ये जो दही हंडी है ये एक ऐसा त्यौहार है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बड़े बड़े त्यौहार हैं, गणेश उत्सव है, दिवाली है, होली है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन दही हंडी का टक्कर किसी भी फेस्टिवल से नहीं। डांट खाए हो? डांट मार खाइए माँ की। अब हमारी माता जी तो नहीं रही, पर हाँ आज उनकी डांट याद आ रही है। सीरियसली, थैंक यू वेरी मच।